क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो 40,000 रुपीज़ की लिस्ट लेकर आया हूँ एंड इसमें कमाल के लैपटॉप्स बताऊंगा। इवन ऐसे लैपटॉप्स बताऊंगा जिसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो, मतलब डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स भी बताऊंगा। जितने भी लैपटॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं आज, सभी के बेस्ट बैंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड प्राइजेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि सेल का टाइम है। सो चेकआउट करते रहना लिंक्स में जाके एंड जल्दी से हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लैपटॉप वो भाई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आ रहा है। दिस इज नन अदर देन MSI थिन 15। सबसे अच्छी बात है इसकी i5-12450H की CPU। ये एक 8 कोर का CPU है दोस्तों एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल CPU है। मैंने इसको पर्सनली यूज़ कर रखा है। इसमें आप गेमिंग, एडिटिंग सब कुछ कर सकते हो, कोडिंग भी आराम से कर सकते हो। सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है परफॉर्मेंस को लेके। एंड 15.6 इंचेस की IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर पैनल, 45% NTSC एंड 144 हर्ट्ज के साथ। IPS लेवल लिख गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो IPS पैनल नहीं है। IPS लेवल का मतलब IPS पैनल ही होता है। IPS लेवल बस एक टर्म यूज किया जाता है क्योंकि IPS जो टर्म है वो पेटेंटेड है किसी कंपनी द्वारा। अगर ये लोग भी IPS लिखने लग गए तो इनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए ये लोग IPS पैनल लिख देते हैं। उसके बाद इसमें 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। दोनों को ही आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। एंड ये जो 8GB की रैम है ना दोस्तों, इसको आप DDR5 रैम में भी बदल सकते हो। मतलब अगर आप DDR5 रैम लगाना चाहते हो इस लैपटॉप में, वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसमें RTX 2050 मिल जाता है, 4GB वाला, 45W TGP के साथ आता है। एंड ये भाई सारे गेम्स आराम से चला देगा, भले लो सेटिंग पे या मीडियम सेटिंग पे, बट चला डेफिनेटली देगा। एंड मैंने इसको खुद टेस्ट कर रखा है, आपके डिस्प्ले पे देख ही सकते हो क्या आउटपुट मिल रहा है मुझे। प्लस 4K एडिटिंग भी हो सकती है। जी हाँ, 40,000 रुपये के आसपास में ये लैपटॉप आपको 4K एडिटिंग भी करवा सकता है। मेरा एक बस छोटा सा सजेशन है, 8GB रैम को या तो आप DDR5 कर लो या तो 16GB कर लेना। 8GB वाले में भी, नॉर्मल DDR4 वाले में भी आप 4K एडिटिंग कर सकते हो, बट बेटर रहेगा या तो 16GB या तो DDR5। बाकी इसकी बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो ईजिली 3-4 घंटे नॉर्मल यूज़ पे ही आपको दे देगा। फास्ट चार्जिंग है, बैकलिट कीबोर्ड है एंड बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। इसकी प्राइस आप देख सकते हो, अगर आपके पास SBI के कार्ड्स हैं अभी तो ये आपको और सस्ते में मिल जाएगा। सो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में, दैट इज ASUS VIVO 15। अब इसमें कोर i5-12500H मिल जाता है। ये जो CPU है दोस्तों, ये एक 12 कोर का CPU है एंड बहुत पावरफुल CPU है। मतलब इसमें आप गेमिंग, एडिटिंग हर चीज़ कर पाओगे, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर मिल जाते हैं, 8 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है एंड ये 60 हर्ट्ज वाली पैनल है, 45% NTSC के साथ आती है। 8GB की रैम है जिसको आप फ्यूचर में अपग्रेड डेफिनेटली कर सकते हो एंड 512GB की SSD, इसको भी आप अपग्रेड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। खास बातें क्या है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो CPU वो इतना पावरफुल है एंड इसके साथ आपको जो GPU मिलता है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड GPU, बेसिकली इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स हैं। बट इसको ऐसा मत समझना कि इसमें कुछ हो नहीं पाएगा। खास बात यही है कि इसमें भाई आप गेमिंग कर सकते हो, GTA 5 आपको अगर वैलोरेंट खेलना वो खेल सकते हो, प्लस एडिटिंग भी कर सकते हो। 4K लेवल की एडिटिंग एक लेयर की तो ये करवा देगा, इतना पावरफुल है ये लैपटॉप। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो नॉर्मल यूज़ में ये इजीली 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप दे देगा। बैकलिट कीबोर्ड एंड फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है, तो इसको आप प्लीज़ कंसिडर कर लेना अगर आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए H सीरीज CPU के साथ 40,000 रुपये के आसपास में। उसके बाद है दोस्तों MSI का मॉडर्न 14। अब ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स है, क्यों मैं बताता हूँ। i5 13th Gen 1335U, जिनको नहीं मालूम है, ये दोस्तों एक 10 कोर का CPU है एंड आप प्राइस देखो 43,990, इसको आप कम भी कर सकते हो अगर आपके पास SBI के कार्ड्स हैं। प्लस इसमें आपको 14.1 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल, 45% NTSC वाली, 16GB की रैम, 512GB की NVMe Gen 3 SSD, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो, रैम को आप नहीं कर सकते हो, दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। बट क्वाइट गुड यार, मतलब इस प्राइस में भी आपको इस CPU के साथ 16GB का रैम मिल रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। प्लस इंटेल के आयरिस XE ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो भाई इसमें वेलोरेंट, GTA 5 जैसे कैजुअल गेमिंग आपको आराम से करा देंगे। अगर आपको BGMI खेलना है वो भी खेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लैपटॉप में। इसके साथ साथ आप इसमें भाई एडिटिंग भी कर सकते हो, विच इज़
टू गुड टू बी ट्रू। मतलब यू सीरीज के लैपटॉप में जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप एडिटिंग नहीं कर सकते, उनको जाके ये वीडियो दिखाओ, बिल्कुल एडिट कर सकते हो उस लैपटॉप में। मैंने पर्सनली इस लैपटॉप को यूज़ कर रखा है भाई, काफ़ी तगड़ा लैपटॉप है, एंड एडिटिंग गेमिंग कैजुअल वाली प्लस कोडिंग भी आराम से आप कर पाओगे। फिर दोस्तों अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूँ तो नॉर्मल यूज़ में ये आपको ईजिली 4 से 4.5 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगा, एंड फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है, प्लस बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाता है। एमएस ऑफिस नहीं है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना, बट यू नो एमएस ऑफिस आप जुगाड़ से गूगल से डाउनलोड कर ही सकते हो। फिर दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और लैपटॉप के बारे में जो भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसका नाम है Lenovo V15, अभी Ryzen 7 7730U CPU के साथ आता है। जिनको नहीं मालूम है दोस्तों, ये एक 8 कोर का CPU है एंड काफी पावरफुल CPU है। मतलब 5700U आता था 60,000 रुपए में, उससे भाई ज्यादा पावरफुल CPU है। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, यहाँ पे दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर किया गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल CPU हो जाता है। एंड इसके साथ साथ आपको इसमें वीगा के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें आप कैजुअल गेमिंग, एडिटिंग एंड कोडिंग वगैरह तो आराम से कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इसमें आपको मैं बता दूं, फुल HD डिस्प्ले मिलती है 15.6 इंचेस की, एंटी ग्लेयर IPS पैनल, एंड 16GB की रैम है, 512GB की SSD है। रैम का फर्दर अपग्रेड नहीं कर सकते हो, SSD को कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, क्योंकि भाई Ryzen 7 का आपको 7000 सीरीज का CPU मिल रहा है, एंड इसकी पावर एफिशिएंसी इतनी अच्छी है दोस्तों कि आपको ये 5.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है विथ फास्ट चार्जिंग। बट हाँ, इसमें शायद आपको बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता है, बाकी इसमें आप हर चीज़ कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ लोग इस लैपटॉप को लेकर भी मतलब थोड़े कन्फ्यूज हैं, Lenovo का स्मार्ट चॉइस IdeaPad गेमिंग 3। अब देखो ये लैपटॉप अच्छा है क्योंकि इसकी जो TGP है 2050 की वो 70W की तो है एटलीस्ट, लेकिन Ryzen 5 5500H काफ़ी पुराना है, मतलब 4 कोर का CPU है यार। और आप अगर इस CPU को देखोगे ना, इसमें आप DDR5 RAM लगा सकते हो, लेकिन 5500H वाले CPU में आप DDR5 RAM फ्यूचर में नहीं लगा सकते हो। प्लस ये काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज पीछे आता है 12450H से, इसलिए मैं बोलूँगा थिन सीरीज इज अ वे बेटर चॉइस देन IdeaPad गेमिंग 3। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। Lenovo का एक और आता है लैपटॉप G6, लेकिन उसकी प्राइस अभी बढ़ चुकी है, इसलिए मैं उसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उसका भी लिंक दे दूंगा मैं। अगर आपको मिल जाता है वो सस्ते में तो प्लीज़ गो अहेड एंड बाय दैट लैपटॉप। तो दोस्तों यही थे सारे लैपटॉप्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी 40,000 रुपये में, एंड इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, और 40,000 रुपये में भाई ये सारे लैपटॉप्स पहले कभी नहीं मिलते थे। सो बेस्ट बैंक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो गो अहेड चेक देम आउट, प्राइस वगैरह भी कम है। एंड आपको अगर कोई फर्दर सवाल या सुझाव है आप कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।